आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ एगलेस मार्बल केक। इसे जेब्रा केक भी कहते हैं। बिना अंडे बिना ओवन के भी ये केक बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आने से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहले स्टेप में कढ़ाई को प्रीहीट करना पड़ेगा। इसके लिए एक भारी तले की कढ़ाई में 1 कप के करीब नमक को सेंटर में स्प्रेड कर दिया है मैंने, और उसके ऊपर एक स्टैंड लगा दिया है। यह नमक मैंने पहले भी बेकिंग में यूज़ किया है। अब ढक्कन को बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम में 12 से 14 मिनट के लिए कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे। अब एक बोल के ऊपर एक छन्नी लगा देंगे, उसमें डालेंगे 1 कप मैदा, हाफ कप पिसी हुई चीनी, 1/3 कप पाउडर मिल्क, 1/8 कप कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून सॉल्ट। इन सब चीज़ों को चम्मच से मिक्स करते हुए अच्छे से छान लेंगे। छान लेने के बाद एक बार चम्मच से फिर से मिक्स कर देंगे। मिक्स कर लेने के बाद अब हम लेंगे 1 कप गुनगुना पानी। पानी को धीरे धीरे डालते हुए इसका बैटर रेडी करेंगे। तो ध्यान रहे बैटर को बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। तो ये देखिए बैटर आपका इस तरह होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून विनेगर, इसे मिक्स कर देंगे इसमें, 1 टीस्पून डालेंगे वनीला एसेंस, इसे भी मिक्स कर देंगे। बैटर हमारा रेडी है। अब हम बैटर को 2 भागों में बराबर से बांट लेंगे। तो 2 भागों में बांटने के बाद 1 भाग वाला बैटर को ले लेंगे और उसमें हम मिला देंगे 1 टीस्पून कोको पाउडर और इसको इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम दोनों बैटर को ले लेंगे और दोनों में 1-1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल मिला देंगे और ऑयल को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये वाले बैटर में भी मिक्स कर देंगे। अब हम दोनों बैटर ले लेंगे और साथ ही में अपना केक टिन ले लेंगे। तो केक टिन को यहाँ पर मैंने अच्छे से डस्ट करके रखा हुआ है पहले से। अब हम पहला व्हाइट वाला बैटर लेंगे, इसे सेंटर में डालेंगे, अब चॉकलेट वाला बैटर लेंगे, इसको इसके ऊपर डालेंगे। तो आप जितना भी बैटर डाल रहे हैं दोनों बराबर में डालिएगा। फिर अब व्हाइट वाला बैटर डालेंगे इसके ऊपर। अब चॉकलेट वाला बैटर डालेंगे। इसी तरह करते हुए आपको पूरा बैटर खत्म होने तक डालते रहना है। तो इस तरह मैंने सारे बैटर इसमें डाल दिए हैं। अब एक स्टिक ले लेंगे और स्टिक से इस तरह डिज़ाइन बनाएंगे इसमें। बीच बीच में स्टिक को साफ करते रहें। तो ये देखिए ये डिज़ाइन इसमें बन के रेडी है। अब इसे हमें कढ़ाई के
बीचों बीच ध्यान से सेट कर देना है। और ध्यान रहे कि केक टिन को बिल्कुल भी टैप ना करें, और आप अगर चाहे तो इसे माइक्रोवेव ओवन या फिर OTG में कन्वेक्शन मोड में बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे कढ़ाई के बीचों बीच में सेट कर दिया है। अब हम ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे 28 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में बेक करेंगे। लगभग 30 मिनट के बाद अब हम ढक्कन हटा के इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए एक स्टिक ले लेंगे, स्टिक को इस तरह डालेंगे, ये साफ़ आ रहा है मतलब ये बेक हो गया है। बस अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। टिन यहाँ हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम चाकू से इस तरह स्क्रैच कर देंगे साइड को। अब इसको पलटते हुए हम बाहर निकालेंगे। अब इसका बटर पेपर भी हम हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना स्पंजी बना है ये। अब इसको हम कट करते हैं। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी बना है बिना अंडे के भी। तो ये रेडी हो गया है।